खबर जांजगीर चांपा से है, जहां बलौदाबाजार कस्टोर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोटियाडीह में सदगुरु कबीर प्राकट दिवस एवं सत्संग समारोह का हुआ आयोजन। इस अवसर पर सर्वप्रथम साहेब की पूजा अर्चना के साथ गांव में नृत्य करते हुए रैली निकाली गई और इस मौके पर कबीरदास से जुड़े साहित्यों का विमोचन तो उमड़ा श्रद्धालुओं रीला उमड़ा। इन आयोजकों में भजनों संत समागमों में कबीरदास की वाणी गूंजी। सदगुरु कबीर 14वीं सदी के ऐसे संत थे जिनकी वाणी में विश्व के मंगल का संदेश छिपा है। कबीर ने मानवीय सहिष्णुता एकात्मकता का संदेश तो दिया ही, उन्होंने साहित्य विज्ञान मनोविज्ञान और पर्यावरण का समन्वय भी किया। मीडिया की टीम ने राजकुमार साहू से जानकारी ली तो कहा कि साहेब कबीर के साहित्य में जहां दर्शन अध्यात्म ज्ञान वैराग्य की गूढ़ता मिलती है, वहीं उनके साहित्य में समाज सुधार का शंखनाद भी है। साहेब कबीर की वाणियों में उनका कालजयी व्यक्तित्व तो विद्यमान है और उनके उपदेश दर्शन सिद्धांत के ज्ञान व संदेश को किसी पंथ के रूप में स्वीकार करना उनकी महान उदारता को आवरण में रखने के समान है। कहा कि कबीर किसी मत संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं, उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आपदाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, ऐसी स्थिति में तो यही है कि इस कड़ी को आगे न बढ़ाते मैं श्रीमती कोमल साहू राम कोटियाडी से और आज कबीर सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस है, इसलिए हम लोग बहुत दिनों से इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए आ रहे हैं। गुरु साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब प्रगट है।